दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी ने 1 अगस्त 2018 से सिविल सर्विस परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तय की है। यह जानकारी केंद्र द्वारा राज्यसभा को दी गई है। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए 32 साल की सीमा तय की गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को नियमों के अनुसार ही छूट दी जाएगी। आपको बता दें 32 साल आयु सीमा केवल सामान्य वर्ग के लिए तय की गई है। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आयु सीमा 35 साल है, जबकि एससी और एसटी के प्रत्याशियों के लिए 37 साल है। आपको बता दें यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो कि 3 चरणों में होती है। सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और आखिर में जाकर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो चयनित होते हैं उन्हें उनके अर्जित अंकों व वरीयता के अनुसार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए चयनित किया जाता है। इसे देश की सबसे मुश्किल परीक्षा माना जाता है। तो दोस्तों काफी बड़ा बदलाव है ये यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि अब जो अधिकतम सीमा है इस परीक्षा में भाग लेने के लिए वो है 32 साल। और अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपके हिसाब से यूपीएससी का ये कदम आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए। और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।